इससे फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। हाँ जी बताइए। थैंक यू। शिविर अटेंड किए हैं, ओशो में भी गए, राधा सोम में भी, सब जगह गए, लेकिन वहां कभी यह विश्वास नहीं होता है कि मानव के ऊपर भी इतना अच्छा काम किया जा सकता है। यहाँ आके मुझे पहली बार लग रहा है कि यहाँ भी मानव के ऊपर भी कोई बात होती है। होती है और हर व्यक्ति के लिए अप्रोचेबल है। वहां पर जब भी बात करेंगे, यहाँ तो आत्मा की बात करेंगे, परमात्मा की बात करेंगे। आत्मा को हम जानते नहीं, परमात्मा को हम जानते नहीं, और मानव को ऐसा लग रहा है कि हम अभी तक जानते थे कि मानव को हम जानते हैं, आज पहली बार लगा कि मानव को भी हम नहीं जानते हैं। बहुत बढ़िया। तो जब तक हम मानव को नहीं जाने हैं, आत्मा प्रबंध तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। शुरुआत तो हमको अपने से करनी पड़ेगी। शानदार। जो मानव को समझने का प्रयत्न हुआ वो ज्यादातर अलग अलग धर्मों से हुआ। तो अलग अलग धर्मों के माध्यम से मानव को समझने का प्रयत्न हो, तो जब ये हो गया तो एक धर्म का सर्कल बन गया। तो दूसरे मान्यता वाले हैं वो अलग तरह से मानव को समझता है, वो अलग तरह से मानव को समझता है, यानी कि मानव का विज्ञान के तौर पर समझने का प्रयास नहीं हुआ। अभी मानव को विज्ञान की तरह समझने का प्रयत्न हुआ है ये दर्शन के माध्यम से, क्योंकि जो भी हमें जो है वो मानना है, इसके बाद जानना है, उसको पहचानना है, उसको एप्लीकेबल है कि नहीं वो देखना है, वेरीफाई करना है। तो इसी तरह कोई धर्म में हुआ नहीं। और ये बात ये भी आगे आई कि जो समझाने का प्रयत्न हुआ सभी जगह, मगर ये नहीं बताया गया कि समझना खुद को है, खुद को समझाना है, और जो जीना है तो परिवार के लिए जीना है, और अभी समाज के लिए जो हमारा जो आउटपुट है वो समाज को देना है समझने के बाद, और सुनने की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़िया तरीके से यहाँ सीखने को मिली कि भाई सुनना कब बनता है, कि जब हम स्वयं के लिए सुनते हैं,
ज्यादातर हम सुनते हैं मगर दूसरे का रेफरेंस मन में आ जाता है। हाँ हाँ, स्वयं का रेफरेंस आना चाहिए तो सुनना बनता है। बहुत बढ़िया। दूसरा, हमारे चित्त में कोई ना कोई प्रेजुडाइस पड़े रहते हैं, तो जब जब हम सुनते हैं तब जो प्रेजुडाइस बीच में आ जाएगा तो सुनना नहीं बनता। तो हमें प्रेजुडाइस फ्री होना है, पहले खाली होना है, बाद में सुनना है। आगे के सुनने के समय हमारे बीच में जो जो पड़ा है उसके साथ उसका तुलन नहीं करना है, स्वयं विज्ञान की तरह सुनना है। जैसे विज्ञान में है कि ये 2+2=4 ही होता है, इसी तरह ही हमें ये मानव में जो भी है सुख की तलाश है तो है, तो इसी तरह सुनना है, कोई पूर्वाग्रह से सुनना नहीं है। और स्वयं के साथ जो स्वयं के साथ जो घटना घटी है वो घटना को बार बार बीच में लाने के उसके दबाव में नहीं सुनना है। तो ऐसे स्वयं के लिए सुनेंगे तो बात पहुँचेगी। और ये सुनने से ही समझ में आया कि सभी की तलाश एक ही है, उनको सुख की चाहत। जब मानव मानव के करीब जाना चाहता है तो समानता ढूंढता है, हमारे दोनों के बीच में क्या बात समान है। जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो आप कौन से गांव के वगैरह वगैरह, तो इसी तरह अगर हमें मानव से कनेक्ट होना है तो समानता ढूंढनी है, और वो समानता भी मिल गई है कि हमारी एक ही समानता है सुख की शोध में। तो इसी वजह से हम सभी समाज को जुड़ पाएंगे, ऐसा एक घोषणा बना है। बहुत ही बढ़िया। देखिए, जो बात आपने लास्ट में कही वो इम्पोर्टेंट है, मानव मानव में समानता की अपेक्षा है। जब भी मानव को अपने से समान करके नहीं देखा जाता है उनको अपमानित महसूस करता है, या हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि समानता ही सम्मान है, समानता ही सम्मान है। अब समानता का आधार क्या है? शरीर में समानता का आधार नहीं है, हम सबके पास 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें हैं, ये समानता का आधार नहीं है, है ना? तो जो समानता का आधार हम शरीर में ढूंढते हैं उसमें समानता की कोई जगह नहीं है। सभी मानव की मूल चाहत एक है, ये मानव मानव में समानता का पहला आधार है। तो मानव मानव में समानता का आधार हमारी मूल चाहत एक है, इस रूप में हम समान हैं। जी, लास्ट सेशन में एक बहुत अच्छी दो बात दिमाग में बैठी कि मानव सब कुछ जो करता है सबके लिए करता है और सही से सीखता है, गलती से नहीं सीखता। पर अब एक और एक प्रश्न आता है कि अगर मेरे को सही पता है कि ये सही है और उसको करने के लिए जो करना है उससे मेरे को सुख नहीं हो मिलता, कि जैसे मैं अपने मतलब मेरे को पता है कि मेरे को हेल्थ अच्छी करनी है, हेल्थ के लिए मेरे को एक्सरसाइज करनी है, पर एक्सरसाइज करने से मेरे को सुख नहीं मिलता। हाँ, पता है मेरे को गड़बड़ है क्या, मेरे को हेल्दी क्यों रहना है ये नहीं पता है। वो भी पता है कि हेल्दी रहने से आगे सब अच्छा होगा मेरी, ये सब बोल बोलोगे। हेल्दी क्यों रहना है, हेल्दी क्यों रहना है, फिट रहे तो आगे बोलोगे, इसलिए उसमें मन नहीं लगता। जिस चीज का पर्पस पता नहीं है, हाँ लोग बोल रहे हैं हेल्दी नहीं रहने से मैं दुखी होऊंगा, हेल्दी नहीं रहूंगा बीमार हो जाऊंगा तो मैं दुखी हो सकता हूँ, लेकिन हेल्दी रह के क्या मिलेगा ये नहीं पता है। उसमें हेल्दी रह के भोग कर सकता हूँ ये भी पता है, पर भोग करना भी लक्ष्य नहीं है और बीमार ना होना भी लक्ष्य नहीं है। हेल्दी क्यों रहना है ये नहीं पता है। इसलिए भैया ऐसा लगता है हमको बहुत सारी चीजें हमको पता है, पर जब ओर में जाते हैं आईना सामने रखते हैं तो पता चलता है कि ये आंसर नहीं है। वो आंसर होता तो आपको तृप्ति मिलती, और कितना हेल्दी रहना ये भी पता नहीं है। तो पता चले या तो कोई लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या किसी ने कर करके वो डोले निकल लिए हैं 2-2 फुट के, है ना। तो अभी हम हेल्दी क्यों रहना चाहते हैं वो भी पर्पस तय नहीं, दूसरों को चमकाने के लिए हेल्दी रहना है। अभी तक चेहरा यहाँ था, अभी बोले यहाँ भी देखो ये पेट में 6 abs दिखाई देते हैं जो सभी मजदूरों में पाई जाती है। तो अभी पता पर्पस नहीं मालूम है। पर्पस कैसे कैसे
उसको नोट कर भैया, हेल्दी रहने का पर्पज नहीं पता भैया, हमने अभी कहा हो, हाँ हमने देखा कि गलती से नहीं सीखते हैं, हाँ। अगर सही जो हमारे सामने कोई है प्रमाण तो उनसे सीखते हैं, मगर अगर वो प्रमाण सही है वो चुनने में गलती कर दिया, हाँ गलत नहीं सीखेंगे। जैसे अभी समाज चल पड़ा है उनको सही था, जैसे अभी जो समाज चल पड़ा है भौतिकता के पीछे, हाँ। पीछे उसको सही मान के ही सीखते हैं, हाँ सही मान लिया तो ये गलती होगी। ठीक बात है, हाँ जी और बोलिए। हेलो भैया, ये जो हर मानव जो भी करता है अपने सुख के लिए करता है, इसलिए मेरे जीवन पर जो प्रभाव डाला है उसकी बात, तो किसी भी घटना की पीड़ा से आराम मिला है, हाँ। मतलब अनगिनत घटनाओं की बात करूँगी मैं, जो मैं बचपन से लेकर आज तक मुझे पीड़ित करती रही हैं, उन सभी घटनाओं की पीड़ा से बिल्कुल मुक्ति मिल गई ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, बहुत वजन लोया है हम सब ने। और भैया मन के अंदर बहुत विद्रोह भी था, तो वो विद्रोह की वजह से मेरे पे खुद पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था बहुत, तो चाहे 30 साल पुरानी घटना ही क्यों ना हो, कोई बचपन की बहुत बचपन की हो तो भी वो सब का आंसर। भैया एक प्रश्न था कि सही का जो रेफरेंस है वो अंदर से आएगा या बाहर से? सही का रेफरेंस अंदर बाहर दोनों से नहीं आएगा, जिसके पास होगा उससे आएगा, है ना। तो आज हमारे पास सही का रेफरेंस क्या है कि आदरणीय नागराज जी के माध्यम से अस्तित्व जैसा है वैसा देखा जा सका और उसको शब्द से कहा जा सका, क्योंकि अब तक हम ये भी कह रहे थे कि ज्ञान निर्वचनीय है, अव्यक्त है, गूंगे का गुण है। यदि गूंगे का गुण है तो फिर अपने में ही कुछ फील कर सकते हैं, दूसरे को तो कुछ बोल नहीं सकते। ज्ञान व्यक्त है और वचनीय है, इसलिए अब एजुकेशन में ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको मध्यस्थ दर्शन के रूप में सही का रेफरेंस मिलता है। सही का रेफरेंस क्या है कि अस्तित्व संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, ये सही का रेफरेंस है। इस रेफरेंस की रोशनी में मैं अपने आप को सजाता हूँ। एक और प्रश्न था, उसका आंसर अब जब आपके पास वक्त हो तब दे देना, अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी बीच में। क्रिया विधि से जीना और घटना विधि से जीना, इसको मतलब मैं थोड़ा समझना चाहती थी, तो जब भी आप सब ठीक समझें। कोई नहीं, देखिए दो तरह का जीना है, एक हम बोलते हैं घटना विधि से जीना, दूसरा कह रहे हैं कि क्रिया विधि से जीना। घटना विधि से जीने का मतलब क्या है, स्वयं को शरीर मानना, जिंदा रहने के धरातल पर जीना, और शरीर से सुखी होने की कामना का मतलब है कि शादी एक घटना है, बच्चे का होना घटना है, विवाह होना घटना है, मकान का मिलना घटना है, गाड़ी का आना घटना है, है ना। बहुत सारी सुखद घटनाओं की ऐसी लिस्ट है जिसको हम मानते हैं कि ये मेरे जीवन में ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा, है ना। बच्चे की शादी है, बच्चे के बच्चे हो जाए, है ना, ये सब घटनाएँ। ये सारी घटनाएँ कैसी हैं, कोई 2 साल में होगी, कोई 10 साल में होगी, कोई 15 साल में होगी, और होगी तो फिर कितना अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा उसके आधार पे मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखद हो जाएगा, कैसा होने वाला है ना। हमारे बच्चे हो गए हैं, आदमी मेरा भाव और विचार एकदम सुखद हो गया, उस समय अच्छा लगता ही है, लेकिन जो हमारी मानसिक स्थिति है वो विनामी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ ये अच्छा लगना की सीमा में है। जब क्रिया विधि से जीने को बोल रहे हैं, हर क्षण मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदायी हो जाए, ये क्रिया विधि से जीना है। तो जो क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये स्वरूप क्रिया विधि है, और शरीर के साथ जो हमने घटनाओं के साथ में सुख दुख जोड़ा है इसको घटना विधि बोल देते हैं। बढ़िया, चलिए गुड, और बोलिए। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इससे पहले कि आगे बढ़े, तो चीज़ें तो सामने आ रही हैं, अब उसको आप हर क्षण कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। तो एक तो ये कि जहाँ से हमने चर्चा को शुरू किया है उसको ध्यान में रख के चले, और 5वें दिन तक हम जहाँ पहुँचेंगे, और 5वें दिन का इतना ही मतलब है कि आपकी मनस्थिति किसी रेजिडेंशियल 7 दिन के शिविर के लिए तैयार हो, और आगे फिर किसी शिविर में मिलना होगा।
पहले शिविर में जितना कंटेंट आता है उसमें से थोड़े से को हम सुन पाते हैं, थोड़े से को जांच पाते हैं, थोड़ी सी आशा की किरण जगती है, लेकिन अपने आप को इस वातावरण में कैसे बनाए रखें, घर पे रहें तो यूट्यूब और हस्बैंड वाइफ मिल के साथ साथ देखें, है ना। अभी हमारे पास साथ साथ मिल के खाने पीने का ही प्रोग्राम है, साथ साथ मिल के समझने जीने का भी प्रोग्राम बनाया जाए तो हम ज़्यादा लंबे समय तक साथ देख पाएंगे और एक दूसरे के लिए सहयोगी हो पाएंगे। तो जितनी चर्चा अभी की उसमें आगे बढ़े तो अब हम इस तरफ बढ़ सकते हैं कि फाइनली सुख क्या है। सारा झंझट इतना है, सुख क्या है। तो अब देखो, यदि जितनी बात हुई है उसको ध्यान में रखा जाए कि मानव जो कुछ भी करता है सोते जागते अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा वो सुख की तलाश में करता है। इसका मतलब है कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है, लेकिन मानव सुखी होना चाहता है। यदि उसको सुख की समझ नहीं है तो वो किसी इस तरह से सुखी होना चाहता है कि जिसमें कि फाइनली वो भी दुखी होता है और दूसरा भी दुखी होता है। इसका एक ही मतलब हुआ कि हमारी ज़िंदगी में हमको सुख समझ में आ जाए, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, हमेशा हमारा सुख किसी दूसरे का मोहताज हो, इससे मुक्ति पाने की ज़रूरत है। इसलिए दो सूत्र बोले जाते हैं, सुखी होकर करना या करके सुखी होना। क्या ठीक है? सुखी होके जीना, सुखी होकर करना ये ठीक है कि करके सुखी होना ये ठीक है ना। जब करके सुखी होने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सुख मेरे पास है कि बाहर है? बाहर है ना। और फिर कितना मिलेगा? जब बाहर से मिलेगा तो क्षणिक ही मिलेगा, चाहे व्यक्ति से मिले, चाहे इंद्रियों से मिले, चाहे गाड़ी से मिले। और सुखी होकर करना, सुखी होकर करना मतलब मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए, ये सुखी होकर करने का मतलब है। जब सुखी होकर करते हैं तो करके भी सुखी होते हैं, जब सुख की तलाश में करते हैं तो अक्सर करके भी दुखी होते हैं। क्या करना है? सुखी होके करता है तो सुखी होना है, तो अच्छा लगने की ओर जाना है कि अच्छा होने की ओर जाना है? तो अच्छा होने की ओर जाना है। तो अभी सुख की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है कि एक एक है? सुखी होने की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। हमारी छत एक है, बाकी सब अलग अलग। तो मैं लिख देता हूँ, आप जांचने की कोशिश करें। सुख की परिभाषा मानव जाति के लिए एक है, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। स्वीकृति के भाव में जीना सुख है। इस परिभाषा को करने के पहले थोड़ा सा पहले एक बार भाव को भी समझ लेते हैं कि ये भाव क्या है। भाव क्या है? विचार क्या है? बोलिए, भाव क्या है, विचार क्या है? बोलो, भाव क्या है? है फीलिंग्स, विचार मतलब थॉट्स। आपको क्या लगता है इंग्लिश में बता देने से सॉल्यूशन है? हाल हमारा वही है, राम का घर शाम के सामने, शाम का घर राम के सामने, दोनों का घर आमने सामने। ढूंढोगे ना राम मिलेगा ना शाम मिलेगा। तो फीलिंग क्या है? थॉट्स। भाव क्या है? फीलिंग चीज क्या है? भाव चीज क्या है? भाव क्या होता है? जो हम महसूस करते हैं, है ना। मैं बताया, महसूस करते हैं वो भाव होता है। महसूस किसको, क्या महसूस करना क्या होता है? जो एक्सपीरियंस करते हैं,
हाँ जी, भाव क्या होता है? अच्छा बताओ, आदमी कब सुखी होता है? जब वो भाव पूर्ण होता है कि भाव शून्य होता है? भाव पूर्ण होता है। जब हम भाव पूर्ण होते हैं, और जब भाव नहीं होता है तो उसका नाम अभाव है। तो या तो हम भाव में होते हैं या हम अभाव में होते हैं। और भाव का पता नहीं है तो सुखी कैसे होंगे बताओ? इसमें पति भी क्या करेगा? बेकार एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे। हाँ जी बोलो, पीछे वालो। हाँ लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हाँ जी, भाव क्या होता है बोलो शिवानी, भाव क्या होता है? ऐसे रिलेशनशिप में आदमी बहुत भावपूर्ण रहता है। फीलिंग से तो है सर, ठीक है। तो चलिए मैं बोल देता हूँ, मतलब हमको ये समझना है कि हमारे अंदर भाव कैसे पैदा हो जाता है, कहाँ से आ जाता है। एक समय रहता है नहीं होता है, एक समय होता है कि किसी के प्रति हमको भाव आ जाता है। तो भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब भाव की स्वीकृति भाव है, और भाव का विश्लेषण विचार है। भाव की स्वीकृति भाव है, और भाव का विश्लेषण विचार है। भाव मतलब, भाव मतलब होना, होना होना मतलब मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, सूरज, धरती, चांद, सितारे, सब कुछ का होना है। तो होने के रूप में जो कुछ भी नेचर में है, अस्तित्व में है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सभी मिला के सबको बोला कि सबका होना है, सबका भाव है। जब मैं किसी होने को स्वीकारता हूँ तब तो उसका नाम भाव है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक हॉस्पिटल में 100 बच्चे पैदा हुए, और नर्स बच्चे लेके बच्चा लेके आ रही है, तो अभी बच्चा क्या है? 100 माएँ उसको देख रही, तो बच्चा क्या है अभी? बच्चा क्या है? भाव है कि नहीं है? भाव तो है, सभी माएँ उसको देख रही, बच्चा है। और नर्स लाके किसी एक की गोदी में टिका देते, उसी क्षण से वो बच्चा, अब वो भाव हो गया। भाव अभी तक भी भाव था, उस भाव के प्रति भी स्वीकृति है, लेकिन स्वीकृति क्या है? बच्चा है। अब स्वीकृति क्या है? मेरा बच्चा है। तो बच्चा है और मेरा बच्चा है, दोनों में कुछ अंतर है ना? मेरा बच्चा बोलते ही उसके जिंदगी भर के सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी होगी। जब तक बच्चा है तब तक उसके सुख दुख की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिसका है उसका होगी। तो इस रूप में हम इस बात को जांच के देखिए कि भाव का क्या मतलब है ना? आपने एक मकान खरीदा है, एक प्रॉपर्टी डीलर आपको 500 फ्लैट्स में से लेके जा रहा है, और किसी एक फ्लैट के सामने खड़ा हो जाता है और आपको बोलता है ये फ्लैट आपका है। उसी क्षण से उस फ्लैट के प्रति, बाकी फ्लैट के प्रति आपका भाव और उस फ्लैट के प्रति आपका भाव अब बदल गया है।
शादी होने के पहले एक दूसरे के प्रति भाव और पति पत्नी होने के बाद एक दूसरे के प्रति भाव कैसा रहता है? कैसा रहता है? कैसा रहता है? वही रहता है, कुछ बदल जाता है, बदल जाता है। इससे अच्छा शादी नहीं किया जाए। शादी के पहले बिना बोले भी सुनाई देता है आजकल तो, खैर बीच में भी ऐसे हो जाता है। तो क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्या समझ में आया? अब आपकी स्वयं के प्रति आपका, आप ही एक भाव है, आपकी खुद के प्रति आपकी स्वीकृति कैसी है? पार्शियल है, कंप्लीट है? पार्शियल है, इसलिए आपका अपने प्रति भी पार्शियल भाव है, पूर्ण भाव नहीं है, तृप्तिदायक भाव नहीं है। आपके पार्टनर के प्रति आपकी स्वीकृति आंशिक है, पूर्ण है? आंशिक, इसका मतलब पूर्ण नहीं है। हाँ यार, बहुत आवाज कर रहे, कोई दूर बैठ के अच्छा लगता है। आगे आ जाइए थोड़ा सा। तो आगे कहाँ? एसी आगे, आगे ठंडा है बल्कि, हाँ आगे बहुत ठंडा है। हाँ गर्म लग रहा है, दोपहर में थोड़ा गर्म हो जाता है, दोपहर में एसी उतना ही जल्दी नहीं रहता है, वो बेचारा धूप में रख। सुबह बंद था तो बताया क्या सुबह, तुम भी हमारे मजे लेते हैं। पाने के लिए कुछ तो तपस्या का विधान पुराना है ही। हाँ जी, कहाँ थे? हाँ, तो आपके पार्टनर के प्रति आपकी स्वीकृति, आपकी सास के प्रति आपकी स्वीकृति, आपके पड़ोसी के प्रति आपकी स्वीकृति, आपके गांव के प्रति आपकी स्वीकृति, आपके देश के प्रति आपकी स्वीकृति, देखते जाइए तो आपको पता चलेगा कि कहाँ सुख की मात्रा कितनी है। जैसा भाव है, भाव ही सुख है, भाव ही सुख है। तो मेरी स्वयं की स्वयं के प्रति स्वीकृति पार्शियल है कि कंप्लीट है? पार्शियल है। मेरी खुद के लिए ही पार्शियल है तो बाकी के लिए भी पार्शियल ही होना है ना? हाँ, किसी व्यक्ति को हम ज्ञान के रूप में स्वीकार लेते हैं, मान लो जो हमारे गुरु, तो उनकी हमारी अपने प्रति स्वीकृति कम है, लेकिन उनके प्रति स्वीकृति ज़्यादा हो जाती है तो उनकी बात को मानने का मन करता है, ऐसा सामान्यतः हो जाता है। लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि भाव का ओरिजिन कहाँ पे है, और जो व्यक्ति है ना बहुत सुखी हो गया उसका क्या मतलब है, कोई व्यक्ति कम सुखी है उसका क्या मतलब है, कोई व्यक्ति ज्यादा सुखी है उसका क्या मतलब है, कोई व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी है इसका क्या मतलब है? माइक माइक हमेशा के लिए रहेगी तो वो हमेशा निरंतर सुख में रहेगा 100%। जब हम अपने लिए हमेशा के लिए हो जाएगी तो बाकी छूट जाएंगे? नहीं, फिर अगर हमारे में स्वीकृति है तो बाकी सबके लिए ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो स्वयं के लिए, संपूर्ण के लिए यदि पूर्ण स्वीकृति आ गई तो हमेशा के लिए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस पा गए, और यदि स्वयं के लिए और सभी के लिए पार्शियल स्वीकृति है तो उतना ही अभाव हमारी जिंदगी में बना हुआ है, इतना ही खेल है बस। बढ़िया, कितने लोगों तक बात पहुंची, कौन बोल के बताएगा?
माइक बोलिए बोलिए कोई भी और बोलिए। हाथ तो उठाया था हाथ तो बहुत लोगों ने उठाया था बोलो। स्वीकृति से भाव पैदा होता है, स्वीकृति से भाव पैदा होता है, तो ये स्वीकृति जब इसमें संबंध पहचानते हैं तो संबंध स्वीकृति संबंध पहचानना ही स्वीकृति है या स्वीकृति ही संबंध पहचानना है, एक ही बात है। हाँ, तो वो पहचान मिलती है तो भाव होता है, जब तक संबंध से जुड़ते नहीं है तो भाव पैदा नहीं होता है, तो ये स्वीकृति में ही भाव है, स्वीकृति में ही। हाँ, तो अगर हम पूरे यूनिवर्स को उसके साथ हम संबंध जोड़ देंगे, और जोड़ना संबंध जोड़ना है कि संबंध है ही वो समझ समझेंगे, पूरे अस्तित्व का जल रहे के साथ, एक सब एटॉमिक पार्टिकल का पूरी गैलेक्सी के साथ, पूरे ब्रह्मांड के साथ सृष्टि का संबंध पहले से है ही कि हमको पहचानना है, हमको बनाना है, तो व्यवस्था है ही केवल पहचानना है, संबंध है ही केवल पहचानना है, हमको अलग से भी कुछ नहीं करना है क्योंकि कोई संबंध है ही। कैसे पता कि संबंध है ही, कैसे पता कि संबंध है ही? नहीं, सृष्टि का भाग है पर हमको रोज मतलब की जिंदगी में कैसे पता चलता है कि संबंध है ही? क्योंकि जब हमारे अस्तित्व के बारे में हम सोचते हैं तो अस्तित्व का टिका रहना है वो किसी के किसी ऊपर निर्भर है। क्या अस्तित्व का? मेरा अस्तित्व है। अच्छा, मेरा अस्तित्व किसी पे निर्भर है? निर्भर है, वो निर्भरता अगर पहचान में आ जाएंगे तो उसके साथ है। तो ये भी एक तरीका हो गया, यदि हम जिंदा हैं तो हवा मिट्टी पानी प्रकाश पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव उसमें सबका योगदान है, तो ये भी एक तरीका है। और यदि मेरे को खुश होकर जीना है तो दीवारों के साथ ही नहीं जी लूंगा ना, फाइनली किसी आदमी के साथ ही जीता हूँ। और देखो ये भी हम कह रहे हैं कि खून के संबंधों में अपनापन होता है, पत्नी तो गोत्र के बाहर से ही आती है, लगभग भारत में सभी धर्म जातियों में अधिकांश में शादी गोत्र के बाहर होती है, गोत्र मतलब जहाँ तक खून का संबंध है वहाँ तक शादी नहीं होगी, है ना, और अब तो कहीं से भी आ सकती है और अब तो आ भी सकता है काफी वेरिएशन आ गए। इसका मतलब है जो बिल्कुल एक अजनबी व्यक्ति था कल तक आपके लिए, है ना, वो आपकी जिंदगी का सबसे अधिक अहम पार्ट हो सकता है, होता ही है, ये भी हमारे ध्यान में आता है। दूसरा मैं ये भी कह रहा था कि रोड पे कुत्ता मरा हुआ दिखाई देता है उसको देख के खुशी होती है कि आपको खराब लगता है, कहीं पानी फालतू में बह रहा है, कोई चीज मिसयूज हो रही है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है ना, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है, फिर भी हम चर्चा करते हैं ठीक हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व के सभी लोगों का आपस में कोई संबंध है ही, मानवता का संबंध है ही। हाँ, उस संबंध की हमारी जागरूकता कितनी है, उसकी हमारी अवेयरनेस कितनी है, तो व्यवस्था है ही, संबंध है ही, केवल पहचानना है, जो है ही उसको नकारा नहीं जा सकता, जो है ही उसको नकार के जीना नहीं हो सकता। तो मैं एक फैमिली का हिस्सा हूँ, मैं एक बड़ी फैमिली का हिस्सा हूँ, उस फैमिली को अपनी फैमिली को नहीं पहचानूंगा और अजनबी मान के जीऊंगा तो कैसे खुश हो सकता। तो मेरी फैमिली बड़ी फैमिली है, अभी जो बात हुई कि खुद की स्वीकृति, संपूर्ण स्वीकृति, पार्शियल स्वीकृति, सो वो नहीं समझ में आया कंप्लीटली। अच्छा, जैसे आपकी आपके लिए आप में दो बातें हैं, एक आपका शरीर है, दूसरा आपका भाव विचार, आपकी स्वीकृतियां हैबिट्स, जिंदगी, लक्ष्य, चाहना, उपलब्धि, ऐसा मिला के सब मैं होता हूँ। तो अब मैं एक व्यक्ति के रूप में देखूँ तो मेरी स्वयं के लिए हर चीज के लिए पूर्ण स्वीकृति है, या मेरे शरीर में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मेरी स्वीकृति है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मेरी स्वीकृति कम है, मेरी योग्यता, मेरी उपलब्धियाँ, मेरी जिंदगी, मेरी चाहनाएं, है ना, उनके बारे भी मेरी स्वीकृति कितनी है, हर जगह कंप्लीट स्वीकृति है या कुछ जगह में अच्छी स्वीकृति है, कुछ जगह में स्वीकृतियाँ कम पड़ती हैं। हम तो हमारे हमारे लिए तो स्वीकृति हमारी होती ही है ना, नहीं होती है? पड़ोसी को पूछो। I don't know,
बताओ कैसे नहीं आते। हाँ उसके मैं मेरे सब पॉइंट्स में मैं 100 out of 100 नहीं हूँ, 100% उसके उसमें देर आर पॉइंट्स जो शायद दुनिया को पता है, थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे खुद को पता है, थोड़े ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसको शायद पता है एज अ पार्टनर, थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो समाज को दिखते होंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि 100% स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो है ही। हाँ वही दोनों बातें, दोनों बातें मुझको लगता है कि इस मामले में मुझको यहाँ होना चाहिए पर मैं यहाँ हूँ, मुझको लगता है कि चाहे किसी की अपनी हाइट को लेके है, कलर को लेके है, शरीर को लेके है, बाल को लेके है, कुछ भी हो सकता है, किन्हीं चीज़ों के प्रति मेरी स्वीकृतियाँ हैं, किन्हीं चीज़ों के प्रति मेरी स्वीकृति कम है, अपनी ज़िंदगी में अपनी उपलब्धियों को लेके, मेरे को यही यहाँ तक मैं पहुँचना चाहता था मैं नहीं पहुँचा, है ना। फिर अपनी फैमिली को लेके आ जाओ, मेरी फैमिली ऐसी होती तो अच्छा होता, ऐसे लोग होते तो अच्छा होता, इसका नेचर ऐसा होता तो अच्छा होता, इसके नेचर में ये ठीक नहीं है, ऐसा कितना सारा हमारे पास है। एक पेन कॉपी पेन लेके बैठेंगे और शांति से एक चीज़ को लिखना शुरू करेंगे, कहाँ मेरी स्वयं के लिए स्वीकृति 100% है, कहाँ मेरी स्वीकृति 40% है, 50% है, 80% है, तो आपको अपने बारे में ही पता चलेगा। बात ऐसी है कि अभी आप जैसे बोल रहे हो कि शायद मेरी फैमिली ऐसी होती तो, शायद मेरे हस्बैंड ऐसे होते तो, शायद मेरे वॉट एवर एक्स वाई जेड ऐसा होता तो, बट That doesn't change me. मुझे मैं आपके लिए भी मुझको गुस्सा आता है, ये मेरे को ठीक नहीं लगता, वो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसको अपनी बात समझा नहीं पाता हूँ, या वो मेरी बात मानता नहीं है, ये मेरे को ठीक नहीं लगता है ना। मैं इतना खुश होता, हम सभी क्या चाहते हैं, सुख की निरंतरता चाहते हैं, पर है तो नहीं, तो जैसा चाहते हैं वैसा है नहीं, तो स्वीकृति कैसी होगी, पार्शियल होगी कि फुल्ली होगी। जैसा मैं होना चाहता हूँ, जैसा मैं दिखना चाहता हूँ और जैसा मैं हूँ, दोनों के बीच का जो गैप है यही अपने प्रति स्वीकृति अस्वीकृति। मेरी समझ में तो ऐसा है कि we are what we are, okay? जैसे हम मतलब जैसे हम बोलते हैं कि जो भी हम करते हैं वो हमारे सुख के लिए करते हैं, कि हमको इस चीज में खुशी होती है इसलिए हम ये करते हैं। हाँ, पर करने के बाद सुख नहीं आ रहा है, ये अस्वीकृति है। करने के बाद क्यों खुश नहीं होंगे? If I am doing something which I like, I will obviously be happy. हाँ, तो अभी जो भी कुछ जिंदा रहने के धरातल पर जो कुछ भी आप जान के करते हैं उसमें से आने मिलने वाला सुख कितना होता है? मोमेंटरी होता है कि हमेशा के लिए हो जाता है? If I like to do it, मैं तो हमेशा खुश होंगी। नहीं, for example, मैं आपको एक example देती हूँ कि मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है। हाँ। तो मैं कोई भी समय पे किस भी मूड में अगर मैं म्यूजिक के साथ रहूंगी तो मैं खुश ही रहूंगी। वो सैड म्यूजिक भी हो सकता है, वो हैप्पी म्यूजिक भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने दिस इज मी, आई विल बी हैप्पी। बट अभी किसी और को वो चीज पसंद नहीं है तो दैट इज हिज प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ठीक तो है, तो अभी मैं तो खुशी हूँ। देखो ये पकड़ने की बात है, सब सुन रहे हैं, सब तक पहुंच रही बात। देखो यही होता है कि एक चित्त अपने तरीके से चीजों को सुनता है और जैसा कहा जा रहा है वो काफी देर बाद सुनाई देता है। ठीक है, आपने बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला, ये आपके लिए भी है, सभा के लिए भी है। आपने कहा कि मैं जब भी म्यूजिक सुनती हूँ, मेरी पसंद का म्यूजिक सुनती हूँ तो मैं खुशी होती हूँ। ठीक है, अब ये एक बात हो गई, तो इसका मतलब है म्यूजिक सुनने की चाहत भी बेसिकली इसका मतलब मैं सुखी होके करती हूँ कि करके सुखी हो रही हूँ? मैं खुश हूँ इसलिए मैं वो करती हूँ। हाँ, मैं खुश हूँ इसलिए मैं वो करती हूँ, एंड मैं वो करती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ। खुश रहती हूँ, ठीक हो गया। हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप खुश भी हैं। हाँ। तो आपका भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदाई है। हाँ। और आप फिर म्यूजिक भी सुन के भी आपको अच्छा ही लगता है। हाँ। खुश रहो, फिर कहाँ प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई और बंदा बोलेगा कि यार तुम तो सारा दिन यही करते हो, बट दैट इज माय विश एंड माय लाइकिंग, यू डोंट लाइक इट, दैट्स योर प्रॉब्लम। कोई नहीं भी बोलेगा तो कितने दिन केवल म्यूजिक के साथ टिक पाओगे?
कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं भी बोले, आई विल बी हैप्पी विद। हाँ, तो ऐसा प्रयोग करके देखा जाए, ऐसा इसको करके देखा जाए। मेरा ये कहना है जब भी कोई बाहर से हम सुख पा रहे होते हैं उसका मतलब है कि वो अच्छा लगने की सीमा में होगा कि मेरा भाव और विचार, म्यूजिक सुनने के कारण मेरा भाव और विचार भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, किसी भी रिलेशनशिप को हैंडल करने की ताकत आ जाएगी। क्या म्यूजिक सुनने से ऐसा होने वाला है? नहीं। बेटा नहीं सुनता है तो म्यूजिक सुनने के बाद मेरा भाव और विचार ऐसा हो जाता है? हो गया ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जिंदगी में एक पार्ट को भरने की कोशिश हम करते हैं अपनी जिंदगी के, तो बाहर से जो कुछ भी हम सुन के खुश होने की कोशिश करते हैं उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में अच्छा लगने की सीमा में रहेगा कि जिंदगी भर के लिए वो हमको सुखदायी हो जाएगा। तो इतना ही करें कि खाएं पिएं सुबह शाम और म्यूजिक लगा के बैठे रहें। भाई इतने तो आपके घर में सुविधा आई है, भाई आप कुछ और नहीं भी करोगे, बाकी भाई आके खाना बना जाएगी, आपको भी सुबह शाम खाना मिल जाएगा, ये लोग भी अपना काम कर ही लेंगे, आप सुबह से लेकर रात तक म्यूजिक लगा के बैठे रहो तो आप खुश हो। No, that's not... नहीं, वो नहीं होगा, because obviously वो मेरे बेटे के साथ मेरा रिलेशन या मेरे वो रिलेशंस के साथ उसका कोई है ना, और खुद के साथ भी खुद का रिलेशन, खुद के साथ भी खुद का रिलेशन। कोई पॉइंट ऐसा भी आ सकता है जब आपको लगे कि नहीं, ये मेरा मेरी जिंदगी का खालीपन कोई भी चीज से नहीं भर रहा है, ना इसको पति भरेगा, ना इसको बेटा भरेगा, ना इसको म्यूजिक भरेगा। कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये मेरी मेरे अपने भीतर के जो प्यास है, ये मेरे अपने भीतर का जो खालीपन है, या मेरे भीतर की जो खुशी है जो 24/7 मैं चाहता हूँ, ये कोई चीज से नहीं भर रहा है। ये हॉबीज कुछ दूर तक साथ चलती है, सभी के लिए ऐसा होता है, किसी के पास साथ जल्दी चल जाएगी, किसी के साथ लंबी चल जाएगी, लेकिन फाइनली मैं जो चीज हूं, कल ये शरीर नहीं रहेगा, कल ये शरीर नहीं रहेगा तो म्यूजिक भी साथ नहीं रहेगा, लेकिन आप रहोगे। कल ये शरीर मरेगा और म्यूजिक भी यही रह जाएगा, लेकिन आप रहोगे। उस समय जो जीवन की स्थिति है और उसके बीच में भी है ना, वो जो जिंदगी में कोई खालीपन है, वो जो यात्रा शेष है, वो यात्रा भी शेष ही है, उसको पूरा किए बिना हमारी यात्रा पूरी नहीं है, हमारे को बाहर से किसी चीज की आवश्यकता ना पड़े। अभी इस म्यूजिक भी एक निर्भरता है। तो वैसे तो बहुत सारी लाइक मुझे तो हर रिलेशन में ऊपर नीचे तो होगा ना। हर रिलेशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, मैं ऊपर नीचे हो रही हूँ, इसी को पकड़ना है। पकड़ में आ जाए तो यही उद्धार है। कोई मोमेंट है जब हम जिंदगी को पकड़ लेते हैं, ये आई पकड़ में आया, तो रिलेशन ऊपर नीचे होता है कि मैं ऊपर नीचे होती हूँ? थोड़े से मुस्कुराहट आई चेहरे। नहीं, लेकिन मुस्कुराहट यही है। रिलेशन ऊपर नीचे नहीं होता है, मैं ऊपर नीचे होती हूँ। सामने वाले का, सामने वाले की अयोग्यता उसकी अयोग्यता है, उससे मैं प्रभावित होती हूँ, ये मेरी अयोग्यता है, और मेरी अयोग्यता से मैं परेशान होता ही हूँ। तो मैं सामने वाले के कारण सुखी दुखी नहीं हो रहा हूँ, मेरे भाव और विचार में इनकम्प्लीटनेस है, दूसरा उसका आईना है, दूसरे ने वो आईना दिखा दिया है, देखो तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है। हमेशा दूसरे की वजह से हम ऐसे हिलते डुलते रहेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि हम उसे अपना मानते हैं, इसलिए तो नहीं। हाँ। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कैसा भी हो। मत मानो, छोड़ दो, मत मानो आज से उसको, अपना नहीं मानो ना। हाँ, तो फिर खुश रहो। नहीं नहीं, तो आपने आपने अपना बनाया ही क्यों था, झंझट मोल ही क्यों लिया था? बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक फ्री होता है वो, ऐसा बात है। तो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? नो नो, इट इज समथिंग।
नहीं, इसका मतलब है शादी मेरे लिए आईना है कि मेरी चीजों को हैंडल, बिना जिम्मेदारी लिए तो मेरे को पता ही कहाँ चलता है कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। एग्जाम के बिना आपको पता ही कैसे चलेगा कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, मेरी तैयारी कितनी है। शादी आदमी की जिंदगी में संबंधों में जीने का एक कमिटमेंट है कि मैं अब इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ। जिसने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं किया वो तो कभी भी बाहर खड़ा ही है, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। इसका मतलब है कि हम जिम्मेदारियों को स्वीकार भी करें और उनके साथ खुश भी रह सकें, अप्रभावित भी रह सकें और दूसरे को भी उस स्थिति में ला सकें। इसलिए समझदार आदमी की परिभाषा क्या दिया था, स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की गलतियों से प्रभावित नहीं होना, उनको भी योग्य बना पाना। Agreed. मैं पांच चीजें तो बराबर से एकदम स्क्वायर करके लिख लिया है, कॉपी में है, अभी आचरण में आने में समय लगेगा। एक मिनट, आप जैसे बोलते हैं मैं गलती नहीं करूंगी, कोई चाहे तो गलती करेगा नहीं, योग्यता नहीं है ना तो ठीक जीने की तो गलती होगी, दूसरे से प्रभावित होना भी गलती है। तो वी आर ह्यूमंस ना, वी आर नॉट स्टोन। अब क्या चाहती हो, दूसरा गलती करे आप उससे दुखी हो कि दूसरा गलती करे आप अपने में स्थिर रहो, उसको भी कैसे ठीक कर पाओ, ऐसा चाहती हो कि आप जो और रोने लगे आप भी रोने लगो, आओ मिलके रोएंगे। शादी में यही होता है, किसी की डेथ हो जाती है वो रोते रहते हैं, गाते हैं, वो भी उसमें शामिल होकर कू 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 करने लगता है ना। अरे इसका मतलब है, इसका नाम संवेदनशीलता है। दूसरे के दुख सुख में आप भी रोने लगे, इसका नाम संवेदनशीलता। दूसरे से अप्रभावित रहते हुए उसके प्रति धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा का भाव रखते हुए उसको भी स्थिर रहने के लिए अवसर दिए, इसका नाम मानव होना। चाहते हो कि नहीं, चाहते तो हैं देखो, और तो चाहने से ही तो होता है, चाहने से ही होता है। वही तो जो करना है वही तो करना है। देखो जिंदगी की शाम होने को आ जाती है, जिंदगी में काम कहाँ शुरू होता है। हम तो बच्चों की तरह, जो मेरे अनुकूल हो जाए, जो मुझको अच्छा लगे बस वो मैं करती रहूं, मेरे साथ होता रहे, है ना। तो जिंदगी वो है जो एग्जिस्टेंस ने सामने दिया और मैंने उसको पार किया। तो बच्चों की तरह रोना गाना बच्चों को शोभा देता है, हमको शोभा नहीं देता। हाँ जी, हाँ जी, कैसा रहा डिस्कशन, कितने लोग का ध्यान चला गया, है ना। अच्छा डिस्कशन था। देखो हमारा कहना हमारा कहना है, अल्टीमेटली जब आपका ध्यान चला जाए वहां से जिंदगी शुरू होती है, हमारे बोलने से आपकी जिंदगी शुरू नहीं होती है ना। इस तरह की कोई डिस्कशन हमारा ध्यान दिला देते हैं कि हाँ अच्छा इस बात को बोला जा रहा है। जी बोलिए भैया। स्वीकृति, खुद में स्वीकृति लाना मतलब हम जैसे हैं वैसे स्वीकार कर रहे हो। चलो कैसे हैं उसको धीरे धीरे और देखेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया कि यदि आपकी जैसे आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो, आपके 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 मीनिंग में जो भी सफलता का मतलब है, तो उस सफलता को मैं यदि अभी नहीं जी पा रहा हूं तो मेरे को उसके प्रति एक गैप रहेगा कि मैं नहीं जी पा रहा। और जब उस सफलता को पा जाओगे तब पता चलेगा कि वो सफलता है कि नहीं है, वहां जाके पता चलेगा ये सफलता है ही नहीं, अभी हमारी जिंदगी का आलम ऐसा है। तो जिन चीजों को हम जिंदगी में सक्सेस मानते हैं तो जब तक उसको नहीं पाए रहते हैं तो उसको चेज करते हैं, जिंदा रहने के धरातल की बात कर रहा हूं। और जब उसको पा लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं ये तो नहीं है, कुछ और चाहिए, वहां जाके या तो उसको और आगे सेट कर लेते हैं। वो एक हमने शिविर किया था, उसमें एक आर्टिस्ट था, उस आर्टिस्ट ने वो जो भी हम शिविर में बोलते थे उसकी पेंटिंग बनाते जाता था। हाँ पूरे शरीर में केवल पेंटिंग बनाता था। तो उसने फ्री है, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन उसने क्या बनाया था, ये गधा है और ये गाजर खाने जा रहा है।
लक्ष्य को लेके उसने एक पेंटिंग ऐसी बनाई थी जो मेरे को आज तक याद रहती है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। अब एजमेंट वाले करते हैं, तो जितना ये गधा चलेगा गाजर खाने के लिए उतना गाजर भी आगे चलेगा, और जिंदगी भर चलेगा तो भी गाजर हाथ में नहीं है। तो ऐसे हमारे जिंदगी के अभी गोल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी स्वीकृति रहेगी कि अस्वीकृति रहेगी। तो अभी तक तो यह अस्वीकृति है कि मेरे को मेरी मंजिल नहीं मिली। जिस दिन वो मिल गई उसके बाद फिर कुछ सेट किया, कोई दिन पता चला कोई मंजिल है ही नहीं जो कुछ कहा जा रहा है। मेरे को ये 23 साल में दिख गया तो ठीक सुख कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, अभी आधे ही बोला। मैंने कहा कि ये मेरे को एक कोर्स मेरा 23 साल में पूरा हो गया, वहां से मैंने जिंदगी की तलाश शुरू किया। जिस दिन आपको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है, मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है का मतलब अधूरेपन के अधूरेपन को स्वीकार ले। ये इनकम्प्लीट है ये स्वीकार हो जाना, इससे काम चलने वाला नहीं। वहां से फिर जिंदगी की तलाश शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि एक बार यदि मैं इनकम्प्लीट को कंप्लीट मान के जी रहा हूं तो कब तक जीऊंगा? जब तक मानता रहूंगा, और उसमें पूरी शरीर यात्रा भी निकल जाएगी, और लास्ट में फीलिंग तो आता है यार हाथ में कुछ आया नहीं, तो फिर अंतिम ज्ञान हाथ में आ जाता है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया, ये अंतिम ज्ञान है। जबकि सच्चाई ये है कि आप जिंदा रहने के धरातल पे ढूंढ रहे हो उस सुख की तलाश को जो वहां है ही नहीं, जिसकी वहां निरंतरता नहीं हो सकती। तो इसका बढ़िया सूत्र भी है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, तो इंद्रियों में सुख की निरंतरता नहीं है, रूप बल धन पद में सम्मान की निरंतरता नहीं है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है। ये बंधन है, बंधन ही दुख का कारण है। तो फिर मुक्ति कहाँ है, खुशी कहाँ है ना? और मेरे को तो अभी आज और अभी मेरी जिंदगी में ही उसके होने की जरूरत है ना। वो है, जहाँ है उसको वहां से उसको पाएंगे, सभी पा सकते हैं। यदि सभी पाना चाहते हैं तो इसका मतलब सभी पा ही सकते हैं। उसका यह मतलब भी नहीं है कि हमको इंद्रियों के साथ नहीं जीना है, रूप बल धन के साथ नहीं जीना, ऐसा भी नहीं कह रहे। उसके जूता पैर में ठीक लगता है, बस इतना ही बोलना है। तो हमको स्वीकृत करना है कि नहीं करना है खुद को, हम जैसे हैं। हाँ, पहले जैसे हैं उसको वैसा समझना होगा ना। कभी जैसे हैं उसको वैसा पहचानेंगे तब स्वीकृत कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे को स्वस्थ रहना है, ये तो मेरे को स्वीकार होता है, पता नहीं क्यों, पर क्यों रहना है ये अभी पता नहीं है। ये पता नहीं है तो गोल गोल घूम गया मामला। ऐसे पैसा तो कमाना है ये तो पता है, पर क्यों कमाना है ये पता नहीं है, और कितना कमाना है ये भी पता नहीं है, और कैसे कमाना है ये भी पता नहीं है। तो गोल गोल घूम गया, गोलू का बैल घूमते रहो। तो जब तक कोई चीज का पर्पस पता नहीं है, एंड टू एंड क्लैरिटी नहीं है, तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगी। तो मेहनत करने से जीवन सफल नहीं होता है, तो ज्यादा मेहनत करना अच्छी बात नहीं है। समझ पूर्वक जीना अच्छी बात है। तो कैसे समझ के जिए उसको समझना होगा। अपने आप को पहला काम है कि मैं पति हूं कि मैं पत्नी हूं, मैं पति और पत्नी बाद में हूं, पहले मैं एक मानव हूं। तो अपने अस्तित्व को पहचान लेना, अब मानव के रूप में अपने अस्तित्व को पहचानना, उसके बाद मैं पति पत्नी के रूप में जीऊंगा। चलिए, तो क्या समझ में आ गया? भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। भाव क्या है? जो कुछ भी है उसका नाम भाव है। उसको मैंने कैसे स्वीकारा है उसी के आधार पे मैं भाव और अभाव की स्थितियों में जीता हूँ, और भाव का विश्लेषण विचार है उसी के ऊपर मैं विचार करता हूँ, उसी को मैं शेयर करता हूँ, उसी को मैं सुनता हूँ। तो मैंने आपसे ये कहने की कोशिश की कि भाव क्या है, हम वापस लौट आते हैं। तो सुख क्या है? स्वीकृति का भाव। तो बेसिकली स्वीकृति को ही भाव बोल रहे हैं, स्वीकृति को ही सुख बोल रहे हैं। तो यदि ये बात हमारी समझ में आई तो इसका मतलब है
इसका मतलब है स्वीकृति बराबर सुख, अस्वीकृति बराबर दुख। तो अभी तक हम सुख दुख क्या है, फ्रूट था, अब हम फ्रूट में आ गए हैं कि सारे सुख दुख के मूल में क्या है। तो सारे सुख दुख के मूल में मेरी स्वीकृति और अस्वीकृति है ना। जैसे अभी शिवानी ने कहा कि भाई हाँ है ना, मेरा मेरे के ऐसी स्वीकृति है, लेकिन वो स्वीकृति में एक अस्वीकृति भी जुड़ गई है, अब उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो इसका अर्थ है जितनी लंबी स्वीकृति उतना लंबा सुख, जितनी गहरी स्वीकृति उतना गहरा सुख, जितनी क्षणिक स्वीकृति उतना क्षणिक सुख। तो हमारा सुख दुख फ्रूट है, उस सुख दुख के फ्रूट में जो रूट है वो स्वीकृति और अस्वीकृति है, इसको जांचिए, ऐसा है नहीं है। सुख दुख के मूल में मेरी स्वीकृति ही काम करती है ना। तो यदि मेरी स्वीकृति निर्बाध है, उसमें किसी प्रकार का कोई शंका नहीं है, और वो लंबी स्वीकृति है, गहरी स्वीकृति है, तो मेरे को हमेशा के लिए सुखदायी लगता है। जैसे कुछ लोगों के लिए हमारी स्वीकृतियाँ कैसी हैं, गहरी हैं कि सरफेशियल है, सरफेशियल है। घर में कोई गेस्ट आया है, बैठ के अच्छी बात भी कर देते हैं, चाय भी पिला देते हैं, लेकिन वो गया, उसके बाद हमारा उसके बारे में विचार नहीं आएगा। इसका मतलब है ना, हर एक व्यक्ति के साथ हमारा एक अलग तरह का है ना, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मित्रों के लिए, बाहर बिजनेस में लोगों के लिए, सबके साथ स्वीकृतियाँ एक जैसी नहीं। चलिए, तो क्या समझ में आ गया, इसको जांचिए ऐसा है कि नहीं। धरती के सभी मानवों में ये नियम ऐसे ही काम करता है, जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख, ऐसा है नहीं है। बोलिए। नहीं, अगर स्वीकृति का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो जैसे कोई चीज स्वीकृत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मुझे जैसे मेरी कई गलतियां है और मुझे नहीं दिख रही है, तो वो स्वीकृति के रूप में ही दिखेगा, तो उसका मतलब कैसे मूल्यांकन होगा कि वो सही है कि नहीं है मेरे। अभी किसी चीज के सही गलत की चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख, ऐसा है नहीं, पहले चर्चा ये कर रहे। बोलिए, जांच पा रहे हैं, जांच पा रहे हैं, तो एग्जांपल से बोलिए। हाँ जी, माइक। एक माइक पीछे, हाथ उठाइए आप, बस हाँ पीछे, इधर। मैं बात, हाँ सर, अगर पार्टनर की बात करें तो उसके परफेक्शंस या इम्परफेक्शंस या जो भी उनकी वीकनेसेस है उनको भी मैं एक्सेप्ट करूं, स्वीकृति उसी में है कि, तो फिर शायद रिलेशनशिप 100% सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, है ना। मैं केवल अभी नियम को देखने की बात कर रहा हूँ कि नियम काम कर रहा है कि नहीं। मेरी पत्नी के किसी व्यवहार को लेके मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा है, तो ये सुख है कि दुख है। मेरे पति के कोई आचरण को लेके मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा है, ये सुख है कि दुख है। अपने खुद के किसी आचरण को लेके मेरे को स्वीकृति नहीं है, मैं ऐसा क्यों करता हूँ। आप बच्चे को छोटी बात पर डांट देते हो और डांटने के बाद आपको लगता है कि ऐसा करने का कोई बहुत मतलब नहीं था, तो ऐसा सोच के आपको अच्छा लगता है कि खराब लगता है, खराब ही लगेगा। तो अपने में इस बात को जांचिए कि जिस क्षण स्वीकृति के भाव में है उस क्षण आप सुखी हैं, खुश हैं। जिस क्षण आप अस्वीकृति के जगह में हैं, आपको कोई चीज स्वीकार नहीं हो रहा है, इसका नाम दुख है, ऐसा है नहीं है। मेरी और वाइफ का जो रिलेशन है उसमें मेरी स्वीकृति होती है तो मुझे सुख मिलता है, और जब आ जाता है कि मेरी वाइफ का मेरी माँ के साथ जो रिलेशन है वो हमें अस्वीकृत हो जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे दुख होता है। वही
तो जो चीज अस्वीकृत है वो आपका दुख है, जो चीज आपके जीवन में स्वीकृत है वो आपका सुख है। हाँ जी, और कुछ? और माइक भैया, पुष्कर की शिविर के बाद जो मेरी स्वीकृति बनी है मेरे बच्चों के लिए, उसके बाद मैं अपने आप में कि वो अपनी जगह ठीक है, ऐसी स्वीकृति मेरे को बनी, तब से मैं अपने आप में उतार चढ़ाव नहीं पाती और सुखी खुश रह पाती। वैसे कोई भी इनका मैरिड लाइफ ठीक नहीं है तो इनका बच्चे हस्बैंड के साथ रहते हैं या अपने फादर के साथ रहती हैं, तो अब माँ का अपने बच्चों से अलग रहना नेचुरली एक थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जिस क्षण से ये स्वीकार किया है कि मेरे बच्चे जहाँ हैं वहाँ खुश हैं और अभी इतना ही हो सकता है, तो जो बहुत सारा दुख का पहाड़ ओढ़ रखा था अभी वो हल्का हो गया। इससे ज़्यादा सीवियर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? और हम कोई महापुरुष नहीं हैं, सामान्य लोग हैं। इनके बच्चों से इनको मतलब जो भी सारी स्थितियां हैं उसमें मिलने की भी स्थितियां नहीं, तो एक माँ के लिए अपने बच्चों से मिलना भी ना हो थोड़ा मुश्किल काम है और काफी पीड़ा में आप रही हैं। लेकिन अभी ठीक है, जैसी भी सारी स्थितियां हैं उसमें जो स्थितियां हैं यदि उसको हम स्वीकार पाए, वे बच्चे जहाँ हैं खुश हैं उनके भविष्य के लिए वो उचित है, यदि हम स्वीकार पाते हैं उसी घटना को तो हमारा अलग स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, नहीं स्वीकार पाते हैं तो हम अलग स्टेट ऑफ माइंड के साथ हो जाते हैं। और उसके बाद ही मैं ठीक से ये शिविर, आपके परिचय शिविर भी उसके बाद ही मैं अच्छी तरह से सुन पाई। हाँ, क्योंकि जब तक आपके चित्त में कोई बैगेज है, आपके भीतर कोई पीड़ा है, तो मैं तो कुछ भी बोलता रहूंगा, आप तो अपनी पीड़ा के साथ बने रहते हो, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ही क्यों हुआ मेरी किस्मत में, ऐसा क्यों लिखा था, कोई प्रारब्ध था, मेरी गलती थी कि सामने वाले की गलती थी, ये नहीं चलेगा, मैं नहीं ये नहीं रहा, तो कितनी भी भाषा बनती है, कितना भी भाव बनता है और लगातार ये चलता रह सकता है। तो कोई मोमेंट आता है जब एक निर्णय लेते हो कि हाँ ये ऐसा है, ये स्वीकार है, वहाँ से आप हल्के होते हो और वहाँ से आप अगली जिंदगी का अगला कदम रखते हो। हाँ, तो है ही है, यही जीवन की प्रक्रिया है। ये शरीर नहीं रहेगा, वो किसका बेटा, किसकी पत्नी, किसका पिता, ठीक। इसका मतलब यही है कि हमारी हर शरीर यात्रा जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए, कभी हेल्थ इश्यूज हैं, कभी फैमिली इश्यूज हैं, कभी पैसे के इश्यूज हैं, कभी ज्ञान के इश्यूज हैं, हर परिस्थिति में हम अपने आप को एक स्थिर मनस्थिति में पा सकें, इसी की ट्रेनिंग है। तो हमारी जिंदगी में हर शरीर यात्रा हमारे को एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पाने के लिए एग्जाम है, परिस्थितियां हैं, जिंदगी के मूल, मेरे अपने मूल स्वरूप को पाने का, है ना। मैं ये शरीर नहीं हूँ, है ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं मेल हूँ कि फीमेल हूँ, तो पता चलता है कि मैं मेल या फीमेल नहीं हूँ, मेरा शरीर मेल या फीमेल है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि महिला पहले चल समझेगी या पुरुष पहले समझेगा, तो वहाँ तो महिला पुरुष की बात नहीं आ पाती है। इसका मतलब है समझने वाली चीज़ मेल या फीमेल नहीं है, ये सुखी दुखी होने वाली चीज़ मेल या फीमेल नहीं है, है ना। तो धीरे धीरे हमारी वो क्लैरिटी बनती है जब मैं कहता हूँ कि मेरा अस्तित्व क्या है, तो मेरा अस्तित्व स्त्री नहीं है, मेरा अस्तित्व इससे भी अलग है। तो मेरे उस अस्तित्व को पाने के लिए, मेरे उस होने को पाने के लिए ये तमाम घटनाएं हैं और घटनाओं में मेरी लर्निंग है, इसी का नाम जिंदगी है। माइक वाली घटना को ही ले तो इसका निष्कर्ष ये ही होगा कि सुख तो समाधान में ही है। हाँ, उसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप माँ बनते हो, पिता बनते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली वहीं पहुंचेंगे कि समाधान बराबर सुख है, और ये जो कुछ भी हमने
है ना, संसार जोड़ रखा है, इस संसार के साथ रहते हैं तो भी सुख है, संसार के साथ नहीं है तो भी सुख है। मतलब ये मेरा सुख किसी चीज पे निर्भर नहीं है, फिर मैं जिसके साथ जीऊंगा अच्छे से ही जीऊंगा, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अभी मेरा सुख मुझ में नहीं है, मेरा सुख हमेशा बाहर है, मेरा सुख बच्चे के साथ है, मेरा सुख पति के साथ है, मेरा सुख जॉब के साथ है, मेरा सुख बिजनेस के साथ है, मुझ में सुख नहीं है। मेरा जो भाव और विचार का स्थिति है, जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है ना, वहाँ जो मेरे को स्टेबिलिटी की जरूरत है वो जगह खाली है और मैं बाहर कहीं सुख को ढूंढता हूँ। तो जब तक वहाँ ढूंढता हूँ तब तक वहाँ ढूंढता हूँ, वहाँ से सुखी दुखी होता हूँ, कोई पॉइंट पे आके वो ज्ञान की जर्नी शुरू होती है और कोई पॉइंट पे आके मैं अपने में स्थिर होने लगता हूँ। ये समझ मतलब ऐसे कुछ घटनाएं होंगी सभी के साथ ऐसा ही होगा या? हाँ। सीधे भी तो समझ आ ही रहा है ना कि समाधान से ही सुख है। नहीं, ऐसा भाषा एक बात है और वो अपने में स्थिति आ जाए वो दूसरी बात है। इतना सस्ता नहीं है। हाँ, स्विमिंग पढ़ के नहीं आते, पानी में उतर के ही आते है ना। इसलिए घर छोड़ देने से भी सन्यासी नहीं हुआ, वो तो अपने मेमोरी में तो सब साथ चल ही रहे। कोई मैंने घर छोड़ दिया तो मेरे को घर का मोह चला गया, ऐसा नहीं है, वो तो मेरी मेमोरी में बना ही हुआ है। घर में रहते हुए भी मोह ना है मतलब वो स्थिति हो, वो अलग बात है। हाँ जी, बढ़िया, गुड। हाँ जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर, मंथन जानी फ्रॉम भावनगर। ये जो उन्होंने समाधान बोला तो एक्सेप्ट उन्होंने कर लिया ना सिचुएशन को, जो मतलब परिस्थिति है उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जो एक्सेप्ट करने से पहले भी उनकी जो सिचुएशन थी तो वो भी तो नॉर्मल है ना, आम इंसान है, नॉर्मल इंसान है, तो अप एंड डाउन तो होगा मूड में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको अप एंड डाउन स्वीकार है तो मुझको क्या दिक्कत है? हाँ तो नहीं, वो इंसान है तो होगा। और आपको दिक्कत है तो सॉल्यूशन है, ये आपको सोचना है कि आपको क्या स्वीकार है क्या नहीं स्वीकार है। आप दिन भर अप डाउन नहीं होते रहो, ये आपको स्वीकार है शुभकामनाएं, और आपको लगता है कि इसमें स्टेबल होने की जरूरत है तो सॉल्यूशन है, चॉइस आपकी है, जरूरत आपकी है। नहीं, मूड अप एंड डाउन होना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है। आपके लिए बड़ी बात नहीं है तो आपको शुभकामनाएं, जिनके लिए बड़ी बात है वो समझ लें। हाँ। वो तो सिंपल है ना, जो एक्सेप्ट कर लेता है चीजों को वो मिनिमम डॉक्टर के पास जाता है या डिप्रेशन की दवाइयां। डॉक्टर के पास जाना, डिप्रेशन में जाना, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। नहीं, फाइनली ये हुआ कि आप अपने में स्टेबल रह पाए और दूसरे को स्टेबल होने में मदद कर पाए। तो अप डाउन होना, अपनी अपनी स्टेट ऑफ माइंड का अप डाउन होना, ये हमको स्वीकार है कि स्टेबिलिटी हमको स्वीकार है ना? अप डाउन होते रहना स्वीकार है कि स्टेबिलिटी स्वीकार है ना? मैं खुश रहूं, हमेशा खुश रहूं, ये स्वीकार है। कभी खुशी कभी गम, इसका मतलब है परिस्थितियां मुझको नियंत्रित करें कि मैं परिस्थितियों को नियंत्रित करूं, मैं मन को चलाऊं कि मन मुझको चलाए। तो धीरे से बात आगे बढ़ेगी, हौले हौले होता है। हाँ जी। हाँ सर, स्वीकृति और सुख से ये समझ में इस तरह से आ रही है कि कभी कभार स्वीकृति इग्नोरेंस भी बन जाता है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, चेंज पॉसिबल नहीं है, आपको जो सही लगता है आप वैसे करो, वो चीज भी एक बार दिमाग में आ जाती है। वैसा करने से भी दुख कम होता है। कितने दिन के लिए? वो कहते ना कि वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो ये इग्नोरेंस कब तक रहेगा? तो इग्नोरेंस कभी भी सॉल्यूशन नहीं है। आज एग्जाम देने नहीं गए, कल तो एग्जाम देना ही होगा। आज आपने एग्जाम में छुट्टी मार दिया तो एक साल उसी क्लास में फिर रह गए, और अगले साल तो फिर दोगे ना, और कभी एग्जाम देने नहीं जाऊंगा तो जिंदगी है ही नहीं, जिंदगी शुरू ही नहीं हुई। तो इग्नोरेंस भी इग्नोरेंस ही है, वो भी एक दुख ही है, बेहोशी ही है। तो मैं मेरे को प्रॉब्लम फेस
है ना, मैं प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक इंजेक्शन बेहोशी का मारा, चल भैया 12 घंटे आराम से रहे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई। डिप्रेशन की दवाइयाँ वही हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, तो सारा डिप्रेशन की दवाइयाँ वही हैं, डॉक्टर के पास डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है, वो केवल आपके ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है, इस बीच में अपना मन थोड़ा सा नॉर्मल होने की तरफ कोशिश करता है और वो चीज़ें फिर नॉर्मल होती हैं। डॉक्टर आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे, आपको बेहोश किए हुए हैं, चलते फिरते बेहोश लोग हैं। हाँ जी, सामने वाले को एक्सेप्ट किया कि वो अपनी वो खुद सुखी होना चाहता है, अगर वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो सुखी ही रहेगी ऐसा नहीं भाई, सामने वाला अभी तक ये था कि सामने वाले की वजह से आप दुखी थे, फिर आपको धीरे से समझ में आया कि वो जो कुछ कर रहा है वो अपने सुखी होने के लिए कर रहा है ना, वो कोई दिन भर आता है उससे चुगली चुगली करता है, इसको देख के आप इरिटेट हो रहे थे और आपको लग रहा था कि वो ठीक नहीं है, फिर आपको पता चला कि नहीं भाई अपने सुखी होने के लिए कुछ करता है, करते रहने दो, मैं प्रभावित नहीं। इससे आप उस दुख से बच गए, लेकिन जो आपके अंदर चल रहा है उसको कौन हैंडल करेगा? आपके खुद के भीतर जो भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की जीना, क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसकी क्लैरिटी नहीं है, आपका वजूद क्या है, आपका होना क्या है ना, तो मैं सही अर्थों में स्त्री हूँ कि मैं मानव हूँ, मानव और स्त्री होने में क्या फर्क होता है ना, मेरा सुखी दुखी होना क्या चीज़ पे निर्भर होता है, तो जब तक मेरे को मेरे भाव और विचार परिस्थितियाँ मुझको चलाते हैं कि मैं परिस्थितियों को नियंत्रित करता हूँ, तो परिस्थितियाँ तो बदलती रहेंगी, तो मैं तो परिस्थितियों का खिलौना हो गया। इसका मतलब है कि परिस्थितियाँ जो भी रहें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टेबिलिटी, मेरी शांति बनी रहे, मेरी शांति भंग ना हो, तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, मैं एक स्टेबिलिटी की स्थिति को पा जाऊँ, मैं खुश रहने की स्थिति को पा जाऊँ, बाहर जो भी चलेगा चलता रहेगा, ऐसा मैं चाहता तो हूँ, तो वो तो काम मेरे को ही करना है ना, तो दूसरों से प्रभावित नहीं भी हुए, दूसरों से कोई दुख नहीं है। ये तमाम जितने लोग है ना, चाहे बुद्ध की कहानी है, तमाम जितने लोग हैं, या तमाम हम अपने घर की ही बात करें, ऐसे बहुत परिवार है जहाँ दुख नाम की कोई चीज है नहीं। मैं तो ऐसे तमाम लोगों को जानता हूँ, जितना पैसा सोचा नहीं था उससे ज्यादा पैसा कमा लिया, बच्चे जैसे चाहते उससे अच्छे हैं, बच्चे बढ़िया सेटल हो गए हैं, आज 50 की एज है, पैसा जितना चाहे उतना खर्च करे, उतना पैसा है, फिर भी जिंदगी में खाली पन है। उस पॉइंट पे आए बिना हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है ऐसा, तो ठीक है पहले से धीरे धीरे एक एक करके अप्रोच करते। हाँ जी, कहाँ पहुंचे, कितने लोगों तक ये बात पहुंच गया कि सुख दुख फ्रूट है, उसके मूल में जाएंगे तो स्वीकृति अस्वीकृति रूट है, तो फाइनली मेरा सुख दुख किसी स्वीकृति या अस्वीकृति से आता है, ऐसा है नहीं है? कोई एग्जांपल, असहमत होने की कोशिश करो, हाँ जी हो गया कि आगे बढ़ो, मेरे को भी भरोसा नहीं लग रहा कि हो गया, कैसे मेरे को भरोसा हो जाए, कोई एग्जांपल देके बताओ, अपने जिंदगी का कोई एग्जाम्पल लेके बताओ ताकि ये भरोसा हो जाए कि हाँ स्वीकृति अस्वीकृति का जो सुख दुख से रिलेशनशिप है वो आप तक पहुंच गया है। कोशिश कर रहा हूँ कि खुद का ही कुछ मानो काम का टारगेट मैंने लिया हुआ है कि इतने टाइम में मुझे ये खत्म करना है, खत्म तो करता हूँ मगर शायद क्वालिटी मुझे पता है कि वो 19-20 है, शायद मुझे जो 100 करना था वो 80 पे आके दुनिया की नज़रों से तो वो एक्सेप्टेंस हो गया, बट मेरे इंटरनल लेवल पे मुझे पता है वो शायद आई हैव नॉट कम्प्लाइड या मैंने अपना बेस्ट नहीं किया, एक समय पे वो थोड़ा दुखी तो होगा, बट वो मुझे अगर पता रहेगा कि चलो मैंने मेरा जितना अवेलेबल टाइम था उसमें मैंने बेस्ट ट्राई किया है,
तो शायद इससे ज्यादा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, वो एक्सेप्टेंस आ कर लो, वही वही फाइनली एक्सेप्टेंस आना होगा, एक्सेप्टेंस कर लिया तो यही संभव था, यही हो सकता था, तो फाइनली कहीं ना कहीं उस जगह में आना होगा जहां मेरे को स्वीकार हो जाए कि हाँ ये ऐसे ही है। हाँ जी माइक, मैंने एक लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया, तो उससे बेस्ट में कैसे दे पाऊंगा? नहीं नहीं उससे बेस्ट अगली बार कोशिश करूंगा ही। देखो मानव के पास ये मोटिवेशन रखा ही है, सूत्र ये है कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ बना ही रहता है, ये बाय डिफॉल्ट है, बाय नेचर है। हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ बना ही रहता है, तो ये मोटिवेशन हमारे पास रखा ही है। तो और बेस्ट, और बेहतर, और बेहतर, जितना पैसा है और ज्यादा और ज्यादा, जितना पद है और ज्यादा और ज्यादा, जितनी खुशी है और ज्यादा, जितना सम्मान है और ज्यादा, ये लगा ही रहेगा। हाँ गाड़ी अब किधर लेके जाना है वो आपकी क्लैरिटी हो तो जाएगी, नहीं तो कहीं और जाएगी गाड़ी। अभी मैंने स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 33-34, मैंने अभी स्टार्ट किया, आई एम वेरी हैप्पी कि जब मैं उधर जाती हूँ मैं बहुत खुश हूँ, खुश रहती हूँ कि मैंने कोई चीज छूटी हुई थी उसके प्रति आपकी स्वीकृति थी कि ये पूरा करना है, करना है हाँ। वो जो आपकी स्वीकृति थी कि ये पूरा करना है अब उस स्वीकृति का पोषण हो रहा है और हो सकता है कि 2 साल बाद फिर छोड़ दो इसमें। क्योंकि कोई चीज है वो एक लेवल तक का सुख देती है उसके बाद फिर कुछ नया जिंदगी में आ जाता है, तो ये तो मटेरियलिस्टिक ही हुआ, मतलब ऐसे ही बदलती रहेंगी तो फिर इंटरनल कैसे रहेंगे। हाँ तो मैं ये नहीं बोल रहा कि डांस मत करो, बाहर डांस कर लो पर अंदर भी तो डांस चलता रहे, अंदर तो खुश रहते ना जब बाहर जाते हैं तो वहीं रह जाओ, एक साल वहीं रह जाओ, सुखी होके करना कि करके सुखी होना। भैया ने जो एग्जांपल दिया कि 100% वाज माय इंटरनल टारगेट, आई गॉट 80%, मतलब मैंने 80% तक पूरा किया, बाहर की दुनिया को वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, पर ये जो मैंने टारगेट सेट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये जो मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे ये लेवल का काम करना है, तो द टारगेट इटसेल्फ इज अ फिजिकल जीवन में फॉल करता है। अगर मैं एक अलग दृष्टिकोण से इसे देखता हूँ, मेरे रोजमर्रा जीवन में मेरे के अंदर संतुष्टि है, मतलब जब मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ तब मैं कोई एक्सटर्नल प्रेशर से नहीं कर रहा कि मुझे कुछ अचीव करना है या किसी को प्रूव करना है या उसके प्रभाव से ये करना है, मैं स्व संतुष्ट होके वो टारगेट करता हूँ और उससे मेरे संतुष्टि पर कोई असर नहीं आ रहा है, तो वो एक प्रकार की स्वीकृति हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो अल्टीमेटली स्थिति ये है कि यदि आपको कुछ गलत भी करना है तो उसके लिए एक जस्टिफिकेशन आप बना के रखते हो तभी कर सकते हो। यदि आपने बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में कोई गलती भी करनी है तो उसके लिए कोई आप जस्टिफिकेशन बना के करते हो कि उसके बिना आप गलती कर नहीं सकते हो, कोई आपको ढाल बना के रखना होता है फाइनली, और नहीं तो वो बहुत खराब स्थिति में आ जाते हैं। हाँ जी स्वीकृति का मतलब ये होता है कि जो जैसा भी है वैसा उसको एक्सेप्ट कर लो, या जो घटना जो घटी है उसको आप एक्सेप्ट कर लो, तो उसमें आप कोई एनालिसिस मत करो और जो भी है उसको एक्सेप्ट करो। ऐसा मैं नहीं कह रहा, तो फिर स्वीकृति का मतलब क्या होता है? स्वीकृति का यानी कि वो स्वीकृति का भाव यानी कि विलिंग एक्सेप्टेंस, स्वेच्छा से आपने कोई चीज को स्वीकार किया है। जैसे जब आप लोग यहाँ शिविर करने आए थे, जिनको जो पहली बार आए थे, वो एक आश्वासन था कि उनको एक उम्मीद थी कि कुछ काम की बात मिल सकती है। अभी जब हम दूसरे दिन बैठे हैं
तो हमारी स्वीकृति का लेवल जब हम जैसा सोच के आए थे उससे कम है, उससे ज्यादा है? ज्यादा है का क्या मतलब है? कि जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा कंटेंट हमको मिला, ज्यादा प्रैक्टिसेबल कंटेंट हमको मिला या संभावना दिख रही है, तो हमारी स्वीकृति पहले से बढ़ गई। यदि हमारे यहाँ आने के बाद में जैसा हमने मिनिमम सोचा था उससे भी कम मिला तो हमको लगता है कि हमारा 5 दिन खराब हो। तो हमारी स्वीकृतियाँ कोई ऐसी नहीं है, लगातार हर स्थिति का मूल्यांकन होता ही रहता है। 24/7 हमारे भीतर जितनी भी स्वीकृतियाँ हैं उसका स्टॉक हम लेते रहते हैं। इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, और हर जगह में अपने आप को रीसेट करते रहते हैं और उसके हिसाब से हमारी स्वीकृतियाँ अस्वीकृतियाँ आगे बढ़ती रहती। चलिए आगे बढ़ो, है ना। चलो मैं टेस्ट करने के लिए एग्जांपल दे दूं ताकि मेरे को पता चल जाए कि बात पहुंच गई है। 4 दोस्त बैठ के शराब पी रहे, 5वां कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा और वो अस्वीकार करके खुश हो। हम कह रहे हैं कि स्वीकृति के भाव में जीना खुश है। कैसे? जो पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। 4 दोस्त बैठ के शराब पी रहे हैं, 5वां कहता है कि मैं नहीं पीऊंगा, पीने से मना कर देता है और ऐसा मना करके वो खुश है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि स्वीकृति बराबर सुख है, अस्वीकृति बराबर दुख है। पहली बार शिविर, पहली बार। हाँ बोलिए। है माइक पूछना है कि स्वीकृति का लेवल हर दिन बदलता रहता है? इसका मतलब बिल्कुल बदलता है, और हर घटना और बिल्कुल बदलता है, हर व्यक्ति के बदलता है, बहुत डायनेमिक चीज है। आधे घंटे पहले किसी पे प्यार आता है और आधे घंटे बाद लगता है जिंदगी में ना ही आता तो अच्छा था। सोचते नहीं हो। हाँ जी, जो नहीं बोल रहा है उसके लिए वो सुख है। हाँ, जो 4 जने जो पी रहे हैं उनके लिए वो सुख है, पीना सुख है, इसलिए हाँ। नहीं पीने की स्वीकृति। हाँ, तो उसकी अस्वीकृति देने की स्वीकृति। हाँ, और वो अपनी स्वीकृति के साथ है। बढ़िया हो गया। तो ऐसा हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में 24/7 हम इतनी सारी फाइलें खुली हुई हैं, है ना। हर व्यक्ति की एक फाइल के कई सब हेड्स हैं और उन सबके साथ में स्वीकृतियां और स्वीकृतियां काम कर रही हैं, और मेरी खुद की जिंदगी भी खुली हुई है। तो इतनी बड़ी डायनेमिक जिंदगी है हमारी, इस पे कितना बैठ के हमने ध्यान दिया है, कितनी हमारी उसके बारे में क्लैरिटी है। तो मेरी स्वीकृति अस्वीकृति सही दिशा में जाए, और यदि मेरी क्लैरिटी नहीं है किधर भी जा सकती है और बाद में एक्सीडेंट होता है। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।